चुनाव प्रक्रिया में व्यापक सुधार का कानून लाया जाएगा ताकि भ्रष्ट और अपराधी जनप्रतिनिधि वो सत्ता में ना जाए। इसलिए राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, आज तक देखिए कि राइट टू रिजेक्ट का कानून इतने साल हो गए आजादी के, लेकिन राइट टू रिजेक्ट का कानून, राइट टू रिकॉल का कानून किसने नहीं बनाया। वास्तव में बहुत जरूरी था, नहीं बनाया। नदियों और जलाशयों के पानी के निजीकरण पर अविलंब रोक लगाया जाएगा। आज गांव हमारे देश में नदियों की बिक्री हो रही है, जलाशयों की बिक्री हो रही है, खनिज संपत्ति का पूरा दोहन हो रहा है, भूपृष्ठ और भूगर्भ की पूरी संपत्ति का शोषण हो रहा है। ये क्या विकास है? ये तो विनाश है। आज नहीं, कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद ये नजर आएगा कि हम क्या विकास किया है, विनाश किया। देश के शोषण और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक उनके विकास के लिए रंगनाथ मित्र आयोग केलकर रिपोर्ट के सुझाव पर फौरन अमल और दूसरे समुदाय के गरीबों के लिए आर्थिक विकास के लिए विशेष योजना की जाए। ये तो हमारा संविधान कह रहा है, गरीब और अमीर का फैसला कम करना। संविधान में लिखा है जो पिछड़े लोग है, आदिवासी है, तुमंतु है, मछुआरे है, इनको ऊपर उठाने का प्रोग्राम करना चाहिए, संविधान कह रहा है। और आज संविधान में बैठे लोग उनका अमल नहीं कर रहे, जो सत्ता में बैठे हैं उसका अमल नहीं हो रहा।